भारतीय सिनेमा का आसमान जितना बड़ा है उतने ही ज्यादा हैं इसके सितारे जो खो गए, जो बुझ जाने तक की उम्र भी पूरी न कर पाए। ये रंगीन आसमान सिर्फ खुशी और कामयाबी से खूबसूरत नहीं, इसमें निराशा और असफलता के भी रंग हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है सिनेमा का हर दौर में बदलते रहना। कभी टेक्निक बदल गई तो कभी अंदाज, कभी अदाकारों का तरीका बदला तो कभी निर्देशकों का। जो कलाकार बदलते वक्त के साथ ढल गए वो बचे रहे, और जो दिल लगाकर डूब गए थे उन्हें बदलते वक्त का अंदाजा न लगा और वो खो गए। मास्टर विट्ठल का जन्म 1906 में महाराष्ट्र में ही हुआ था, और 18 साल की उम्र में ये फिल्मों में बतौर टेक्नीशियन काम करने लगे। काफी कुछ फिल्मों के बारे में सीखा और 1926 में आई रतन मंजरी में इन्हें बतौर नायक का रोल मिला। इसके पहले ये बाबूराव पेंटर के साथ काम करते थे, और पहली फिल्म में ये महिला नर्तकी बनकर नाचे थे। फिल्म का नाम था कल्याण खजीना। मुख फिल्मों में जल्दी ही ये बहुत प्रसिद्ध हो गए। पहले सावक फिल्म आलम आरा 1931 में आई, और उसके पहले मास्टर विट्ठल कई स्टंट फिल्मों में काम कर चुके थे, और इन्हें भारत का डगलस फेयरबैंक्स कहा जाने लगा था। डगलस फेयरबैंक्स अमरीकी मुख स्टंट फिल्मों के सुपरस्टार थे, और यही रुतबा मास्टर विट्ठल का भारत में हो चुका था। जब अरदेशिर रानी आलम आरा बना रहे थे तो मास्टर विट्ठल के अलावा और कोई शख्स नहीं था जिसे दर्शक अपना नायक मानते। महबूब खान ने भी इस पहली भारतीय बोलती फिल्म का नायक बनने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मास्टर विट्ठल की शोहरत इतनी ज्यादा थी कि हिंदी बहुत खराब बोलने के बावजूद इन्हें ही चुना गया था। इस ऐतिहासिक फिल्म का नायक बनने की खुशी इतनी बड़ी थी कि मास्टर विट्ठल ने ईरानी के सागर स्टूडियोज के साथ काम करने के लिए शारदा स्टूडियोज से अपना पुराना अनुबंध तोड़ दिया, और इन पर मुकदमा हो गया। मास्टर विट्ठल की ओर से महमूद अली जिन्ना वकील थे, ये मुकदमा जीत भी गए, लेकिन अब बोलती फिल्मों का दौर आ चुका था। मास्टर विट्ठल मराठी फिल्मों तक ही सीमित होकर रह गए। काम तो इन्होंने खूब किया, लेकिन ललिता पवार और दुर्गा खोटे जैसे अभिनेत्रियों के नायक के रूप में मराठी और मुख फिल्मों तक ही सीमित रहे। मास्टर विट्ठल ने पहली बार 1928 में मुख फिल्म राज तारंग में डबल रोल निभाया था, और हिंदी फिल्मों में भी अपने निर्देशन में बनी आवारा शहजादा में 1933 में पहली बार डबल रोल की शुरुआत की थी। मास्टर विट्ठल 1966 तक बतौर अभिनेता, डायरेक्टर, निर्देशक, नृत्य और संगीत निर्देशक फिल्मों के लिए 42 साल तक काम किया। इन्होंने 90 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की, 2 फिल्में निर्देशित की। लेकिन जैसे जैसे भारतीय सिनेमा मौलिकता से अनुकरण की ओर बढ़ती गई, इस सितारे की चमक कम होती गई, और संवाद के लिए बस एक भाषा में दक्ष होने के कारण भी ये सितारा खो गया। लेकिन बहुत कुछ दिया है मास्टर विट्ठल ने भारतीय सिनेमा को, और उन्हें एकदम भूल जाना बिल्कुल ठीक नहीं।